भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने 30 वर्षीय युवक की चाकू मारकर जान ले ली। मृतक का नाम विकास कुमार है, जो बिहार के जिला समस्तीपुर थाना मोदी नगर स्थित कल्याणपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सबौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और विकास की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसके सहयोगी ड्राइवर के साथ पिकअप वैन को लेकर थाने चली आई। इधर घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि मृतक के दो छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ पिता मुंबई में रहते हैं। मृतक शुक्रवार को आम की खरीदारी के लिए भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र आया था और आम लेकर वापसी जाने के क्रम में उसके साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की और उन लोगों के द्वारा विकास को चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबौर पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस मृतक के चालक से भी पूछताछ में जुटी है, घटना की बारीकियों से जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि हत्या में शामिल अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला ये हुआ कि विकास कुमार नाम का लड़का हमारे गाँव का था, वो पिकअप रखे हुए था और आम लेने के लिए वो भागलपुर आया। सबौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो कोई बगीचा से आम वहाँ से लोड करवाया, उसके साथ एक ड्राइवर भी था। आम लोड कराने के बाद वो लड़का वहाँ से चला। रात में सड़क पर उसके साथ रोक करके सब मारपीट किया गया और मारपीट करने के बाद उसको छुरा मार दिया, ऐसा संज्ञान में बात आई है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ थे नहीं। घटना कहाँ पर घटी है? घटना सबौर थाना अंतर्गत घटी है। तो ड्राइवर? ड्राइवर है, ड्राइवर थाने पर है। ड्राइवर थाने पर है। विकास जी कहाँ के रहने वाले थे? विकास कुमार ग्राम कल्याणपुर बस्ती थाना मोहिद्दीन नगर जिला समस्तीपुर का रहने वाला था। विकास कुमार शादीशुदा था, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करने के लिए मुंबई में रहते हैं, वो भी मुंबई में उनको खबर मिली है, वो भी वहाँ पर चल रही है। आप कौन हैं? हम उनके पड़ोस के चाचा हैं। क्या नाम है? रघुवीर। भागलपुर में दो वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड मामले में आज भागलपुर एडीजे 14 की अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों को अलग अलग जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतने का भी दंड अदालत ने दिया है। पूरे मामले में अभियोजन की ओर से संजय कुमार यादव ने बताया कि बीते दो वर्ष पूर्व 19 जुलाई 2022 को जिले के गोराडी थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय महिला पांचाली देवी और उसके 12 वर्षीय पुत्र अनुरंजन कुमार की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना पर पुलिस टीम के साथ एफएसएल और डॉग स्क्वाड का दस्ता भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफएसएल की मदद से घटनास्थल पर पड़े हुए साक्ष्य को जुटाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अज्ञात के खिलाफ कांड संख्या 312/2022 दर्ज कर लिया गया। सप्ताह भर बाद दोहरे हत्याकांड ने क्षेत्र में सनसनी मचाकर रख दिया और क्षेत्र के लोगों की उंगलियां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगी। आखिरकार पुलिस ने घटना के 11वें दिन तकनीकी अनुसंधान की मदद से मामले में जुड़े एक अभियुक्त अमरजीत को अपनी गिरफ्त में ले लिया और 4 माह बाद घटना के मुख्य अभियुक्त मनोज मंडल को भी दबोच लिया। अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त मनोज कुमार और अमरजीत का रिश्तेदारी संबंध है। अमरजीत अभियुक्त मनोज के साड़ू का पुत्र बताया जा रहा है, जिसे मनोज ने घटना में सहयोग के लिए 25,000 रुपया दिया था, जिसके लिए अमरजीत ने मनोज को घटना में पूर्ण रूपेण सहयोग भी किया। घटना की रात्रि मनोज मंडल और अमरजीत का मोबाइल लोकेशन भी मृतका पांचाली देवी के समीप पाया गया। दरअसल पुलिसिया अनुसंधान में महिला की हत्या का कारण 4 लाख रुपए से जुड़ा हुआ है। मृतका पंचाली देवी और अभियुक्त मनोज की पत्नी पंचायत में साथ काम करती थी। एक दिन पंचाली ने अपने पिता से 4 लाख रुपए जमीन की खरीदारी के नाम पर लिए, जिसकी जानकारी मनोज को हुई और मनोज की पत्नी ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। इसी रुपये के लालच में मनोज ने अपने साड़ू के बेटे अमरजीत के साथ 18 जुलाई की रात पंचाली और उसके बेटे की निर्ममता पूर्वक हत्या कर अमरजीत के ऑटो की मदद से लाश को ठिकाने लगाने के लिए महागामा मोड़ के समीप फेंक दिया। आज एडीजे 14 विवेक कुमार ने अपनी अदालती कार्रवाई पूरे करते हुए
कुल 26 गवाहों की मदद से मनोज को दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास के साथ 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के मुताबिक अभियुक्त मनोज दास दो हत्या में दोषी है तो दोनों हत्याओं की सजा अभियुक्त को अलग अलग काटनी होगी। वहीं अभियुक्त अमरजीत को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसकी राशि जमा नहीं होने पर दोनों को 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोहरे कांड में सजा हुई है और यह थाना कांड संख्या 312-22 से संबंधित था। गौराडी थाना कांड संख्या 312-22, इसका सत्रवाद संख्या 631+623-23 है। क्या सजा हुई? सजा इसमें मनोज कुमार मंडल को आजीवन हुआ है और 1,00,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। और मनोज, चूँकि दो हत्याएं हुई है, इसमें पांचाली की हत्या में भी आजीवन और 1,00,000 रुपया, और अनुरंजन कुमार के हत्या में भी अलग से आजीवन और 1,00,000 रुपया। साक्ष्य क्या जुटाई पुलिस कोर्ट ने, क्या आधार बनाया है? पुलिस ने साक्ष्य जुटाया कि जब मोबाइल जब्त किया गया था तो तीनों का टावर लोकेशन एक जगह पाया गया था, दोनों अभियुक्त का और मृतिका। कितने गवाह थे? कुल 26 गवाहों का बयान पुलिस ने ली थी, लेकिन अभियोजन के तरफ से 19 गवाहों का जो है प्रतिपरीक्षण कराया गया था। आखिर किस कारण से, आखिर कारण क्या रहा है? कारण 4,00,000 रुपया को हड़पने के लिए यह हत्या की गई। मृतिका के पास 4,00,000 था? जी हाँ, मृतिका के पास 4,00,000 थी। वो अपने पिता से लेकर के एक जमीन उसको देवघर झारखंड में खरीदना था, उसी के लिए वो पैसा लेकर के निकली थी। दोनों का संबंध क्या था? दोनों मनोज मंडल की पत्नी और मृतिका जीविका में काम करती थी, और यह भी मनोज मंडल भी जीविका में एक स्टाफ था जो शायद बुक कीपर कहा जाता है, वह भी काम करता था। दोनों परिवार का बड़ा आना जाना था। दोनों एक्यूज्ड के बीच में संबंध? दोनों एक मनोज मंडल है और एक मनोज मंडल के साढ़ू का बेटा है अमरजीत मंडल। अमरजीत मंडल को क्यों सजा हुई? अमरजीत मंडल को भी आजीवन कारावास हुआ है और उसको 20,000 रुपये फाइन। भागलपुर घंटाघर चौक के समीप शनिवार की दोपहर एक सब्जी व्यापारी की बाइक सवार एक व्यक्ति ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना के बाद काफी संख्या में लोग की भीड़ मौके पर जुट गई। तभी वहां पास में मौजूद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से मामले की जानकारी ली। सब्जी व्यापारी सोनू कुमार ने बताया कि वह बाबूपुर मोड़ से परवल लोड कर मंडी जा रहा था, इसी दौरान एक अज्ञात बाइक सवार ने ओवरटेक कर उसका रास्ता रोका और उसके साथ मारपीट की। उसने बताया कि मारपीट के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया। हालांकि सब्जी व्यापारी ने बाइक सवार युवक को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से बाइक सवार का पता लगाने की बात कही। वहीं घटना के बाद घंटाघर चौक के समीप कुछ समय तक अफरा तफरी बनी रही। इसे मतलब जो है ना, उधर सार रोक के बस सीधा मारने लगा। कौन रोका था? वही बुलेट वाला। कौन था बुलेट वाला? हमने जानते थे। कैसे बीच में आ गया? कैसे आ गया, हम यहाँ पे रोक के बस सीधा खींच के मारने लगा। तुम यहाँ पे रुके हुए थे? नहीं, हम जा रहे थे मंडी। किधर से? रुकर लगा था, कुछ नहीं लगा था इससे। पहचानते उसको? नहीं, हमने अचानक मारने लगा। धक्का आपका लगा था क्या उसको? कुछ नहीं लगा, नहीं क्या। और क्या देखते हैं, कोई बचाया उचाया नहीं तुमको? बचाएंगे क्या, यहाँ पे ले घिंच के मारने लगा। भाग गया मार के? क्या नाम है तुम्हारा? छोटू कुमार। भागलपुर जिला विधिक संघ परिसर में शनिवार को वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला विधिक संघ के अध्यक्ष वीरेश कुमार मिश्रा, महासचिव अंजनी कुमार दुबे, अमरनाथ गोयंका सहित कई गणमान्य अतिथियों ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर महासचिव अंजनी कुमार दुबे ने बताया कि गर्मी के समय में न्यायिक कार्य के लिए कोर्ट आने वाले कर्मियों को पानी पीने की काफी समस्या थी। उन्होंने बताया कि यह वाटर कूलर अमरनाथ गोयंका की पुत्री द्वारा दान स्वरूप जिला विधिक संघ को दिया गया है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया। बेहतर कल इसलिए है कि अमरनाथ गोयंका जी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व के सेक्रेटरी थे, अभी वर्तमान में मेंबर हैं, ट्रेंडिस कंपाउंड में भ्रमण के दौरान हमने चर्चा किया कि हमारे अधिवक्ताओं के
ठंडा पानी की व्यवस्था के लिए कुछ कीजिए। इन्होंने चर्चा में बताया कि हमारी बेटी और दामाद रचिता विभोर अग्रवाल जो इनकी बेटी हैं कोलकाता में रहती हैं और इनकी बेटी और दामाद ऐसा कार्यक्रम जो करते हैं जहाँ जरूरत होता है निजी लोगों को मना मुहैया कराते हैं, ये बोले कि आपके डीजे को भी मुहैया करा देंगे। तो पहले तो हम लोग सोचे बाहर में कहीं ये बोरिंग करा के वृहद पैमाना पर करें, फिर हम लोग सोचे गर्मी बीत ही जाएगा तो डीबीए कैंपस में ही इसका हम लोग व्यवस्था किए और इनके सौजन्य से ठंडा पानी पीने का मशीन बढ़िया मिला हम लोगों को और आप अधिवक्ता इसका लाभ लेंगे, लिटिगेंट भी इसका लाभ लेंगे, दूर दराज के जिला स्तर के क्लाइंट आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। इसलिए इनको हम अपने जिला सिटी के संघ की तरफ से विशेष धन्यवाद देते हैं और